है क्या? वो अपने पिता से अपने सपनों में बातें करती है। अभी बच्ची वो पैदा नहीं हुई है तो वो कहती है, पिता कहता है, कल रात मैंने एक सपना देखा, कल रात मैंने एक सपना देखा, सपने में कोई अपना देखा, कल रात मैंने एक सपना देखा, सपने में कोई अपना देखा, प्यारी सी मूर्त थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी, प्यारी सी मूर्त थी, देखने में बड़ी खूबसूरत थी। मैंने कहा, प्यारी कौन हो तुम, ये बताओ क्यों मौन हो तुम? उसका जवाब सुनिएगा। उसने कहा, क्या पापा आपने मुझे पहचाना नहीं, इस दुनिया में मुझे जाना नहीं, क्या पापा आपने मुझे पहचाना नहीं, क्या दुनिया ने मुझे जाना नहीं? पिता पुत्री सपने में मिलने लगे, खुशियों के खून खिलने लगे। उसने कहा, पिता कह रहा था कि कन्यादान महादान है, ये वेदों की शिक्षा थी, कन्यादान महादान है, ये वेदों की शिक्षा थी, मैं भी किसी बेटी का पिता बनूं, ये मेरी भी इच्छा थी। जब वो बच्ची कहने लगी, पिता जब वो बच्ची आई तो वो कहने लगी, जब पिता मैं इस दुनिया में आ जाऊंगी तो क्या पिता बता रहा था कि हमारा देश बहुत खूबसूरत है, हमारे देश में बहुत महान लोग पैदा हुए हैं, आओ आप इस दुनिया में, बच्ची से कह रहा था कि आ जाइए। तो बच्ची कहने लगी, पिताजी पहले जब आजाद हुआ था देश, तब कुछ ही आदमी थे जो बच्चियों की इज्जत करते थे, सारी चीजें करते थे। तो पिता से कहने लगी कि क्या आपका देश अभी भी उतना ही खूबसूरत है? पिता कहने लगा, हाँ बिल्कुल हमारा देश उतना ही खूबसूरत है। तो बच्ची कहने लगी, फिर आपके देश में 5 साल की बच्ची हो, 2 साल की बच्ची हो, उसके साथ इतने अत्याचार क्यों होते हैं? अगर आपका देश आजाद है, आपके देश में महापुरुष पैदा हुए हैं, आपके देश में ये है, आपके देश में वो है, तो फिर 5 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, इसके साथ इतना अत्याचार क्यों होता है? उस पे पिता चुप हो गया और उसने बच्ची से कहा कि सही बात है कि हमारा देश अभी भी आजाद नहीं हुआ है, हमारा देश अभी भी अपनी मानसिकता में गुलाम है, हम केवल अपनी माँ बहन बेटियों की इज्जत करना जानते हैं, और जिस दिन हम दूसरों की माँ बहन बेटियों की इज्जत करना सीख जाएंगे, एक्चुअल में हम आजाद उसी दिन होंगे। तो उस बच्ची का दर्द इतना था कि पिता की इच्छा थी कि उसकी बेटी का बाप बने, लेकिन जब बेटी का उसने जवाब सुना कि आपका देश अभी भी क्या उतना ही महान है जितना पहले था, तो उसने जवाब था, नहीं है। तो हम अपने मानसिकता से आजाद तब हो सकते हैं जब हम सभी का सम्मान करें, हमारी बहन हो, माँ हो, बेटी हो, अगर हम दूसरे की माँ बहन की इतनी ही इज्जत करेंगे तभी हम आजाद हो पाएंगे। तो सभी बच्चों से इतना ही विनम्र निवेदन है कि जैसे ही हम अपने परिवार के लोगों सदस्यों की इज्जत करते हैं, अपने आस पड़ोस, समाज, देश, सबकी ही उतनी इज्जत करें, तभी हम एक्चुअल में आजाद हो पाएंगे। नहीं तो हम हर साल इसी तरीके से 77वां, 78वां, 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाते रहेंगे और इसी तरीके से फूल चढ़ाते रहेंगे, गाने सुनते रहेंगे, और कहीं कुछ नहीं होगा। जब तक हम अपनी मानसिकता को नहीं बदलेंगे कहीं कुछ नहीं होने वाला है। सबसे जरूरी है आजादी होना, अपने मानसिक क्रूरियों से आजादी होना। अगर हम जिस दिन अपनी मानसिकता से आजाद हो जाएंगे तो एक्चुअल में हमें ये कुछ मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा देश वैसे ही स्वतंत्र हो जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।